हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्राडे आइडिया में। आज के इस वीडियो में मार्केट और इंट्राडे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन 23 जनवरी मंडे के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले एक नज़र आज के मार्केट पर। आज मार्केट फ्लैट कल के क्लोजिंग एरिया के पास ओपन हुआ और ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ी गिरावट दिखाया और कल के बताए गए सपोर्ट एरिया 18,060 से बाउंस बैक लिया एंड डे हाई पे जाकर काफी देर कंसोलिडेट किया और कल के हाई लेवल का रेजिस्टेंस लेके अगेन फॉल थोड़ा हुआ एंड नेगेटिव क्लोज हो गया। आज निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग नजर आया। ओपनिंग से ही बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश दिखा और 42,700 के मेजर रेजिस्टेंस से थोड़ी गिरावट आई एंड ये भी काफी देर इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया एंड नेगेटिव पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ। लास्ट निफ्टी फाइनेंस बातिए गए लेवल को ब्रेक कर 60 से 70 पॉइंट्स की मूव दिया। जिन्होंने बातिए गए लेवल के हिसाब से ट्रेड प्लान किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन 23 जनवरी मंडे लिए मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल के आ रहा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन 23 जनवरी मंडे को निफ्टी में ऊपर के तरफ 18,100 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी 18,000 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी में ऊपर के तरफ 42,700 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 42,300 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। लास्ट निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस में ऊपर के तरफ 18,880 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम कॉल्स बाय कर सकते हैं, और अगर निफ्टी फाइनेंस 18,720 के डाउन साइड ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम पुट बाय कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। निफ्टी फाइनेंस सर्विस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के स्टडी के लिए हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को 4 स्टॉक दिए थे, जिसने पहला टेक महिंद्रा, दूसरा PVR, तीसरा एसियान पेंट और लास्ट SR रफ था। आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ एंड मॉर्निंग से बुलिश हो गया। आज के लिए हमारे सभी 2 कॉल्स बाई साइड एंड 2 कॉल्स सेल साइड थे। बाई साइड के कॉल्स में से पहला टेक महिंद्रा केबल लेवल ट्रिगर कर 3 पॉइंट्स की मूव देकर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। दूसरा PVR 28 पॉइंट्स की जबरदस्त मूव देकर बाइंग लेवल ऑल टारगेट हिट किया। सेल साइड में से पहला एसियान पेंट लेवल ट्रिगर कर 62 पॉइंट्स की जबरदस्त मूव देकर ऑलमोस्ट ऑल टारगेट हिट किया। लास्ट SR ऑफ लेवल ट्रिगर कर 31 पॉइंट्स की जबरदस्त मूव देकर पजल टारगेट हिट किया। आज सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इस टाइम पे मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ पोजीशन बनाएं। और हाँ, अगर आप लाइव कॉल्स चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से इंट्राडे आइडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और सीखें। मैंने आने वाले ट्रेडिंग सेशन 23 जनवरी मंडे के लिए बेस्ट 4 स्टॉक सेलेक्ट किया है, जिसमें पहला जील, दूसरा नौकरी, तीसरा L&T और लास्ट भारत फोर्ज है, जिसके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है जील। जील को मैं 222 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 224 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है नौकरी। नौकरी को मैं 3660 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 3690 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है L&T। L&T को मैं 2238 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 2260 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को मैं 857 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 865 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं।
आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स।